हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पित्का किचन एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जिस तरीके से मोदक बनाना बताऊंगी आपको, गैस पे कढ़ाई नहीं चढ़ानी है, गर्मी में मौसम है तो गर्मी आपको नहीं लगेगी, बहुत झटपट से ये मोदक बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मारी लाइट बिस्किट लिया है 2 पैकेट, और उसको हम अच्छे से जो है इसका पाउडर बना लेंगे। उसके बाद में इस पाउडर को हम एक अलग से बर्तन में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे से आपको बनाना है पाउडर बिल्कुल फाइन। और उसके बाद में जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, कितनी कितनी मैं डाल रही हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, साथ में वीडियो के साथ साथ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है, और कोको पाउडर ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग शुगर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 चम्मच के करीब जो है वो आइसिंग शुगर ली है, और ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कोको पाउडर के साथ आइसिंग शुगर ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद में हमने यहाँ पे किसान का चोको स्प्रेड लिया है, वो आपको ऐड करना है। आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद में हमने 2 चम्मच के करीब जो है वो चोको स्प्रेड लिया है, और चोको स्प्रेड से जो है इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल चॉकलेटी आता है। तो इस तरीके से हमें जो है 2 चम्मच के करीब जो चोको स्प्रेड डाल देना है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे हर्सी का जो है वो चोको सिरप लिया है, और उसको मैं ऐड कर दूँगी। खूब सारा चोको सिरप मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद में हम इन सब चीज़ों को जो है वो हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से चारों तरफ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें हाथों से इसको मिक्स कर लेना है, और कुछ इस तरीके से हमारा मिक्स हो जाएगा। अब हमने देख रहे हो आप, 2 चम्मच भी नहीं है पूरा सा, बस इतना ही दूध लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, और ये बहुत जल्दी अच्छे से इसका डो जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डो बन के तैयार हो चुका है मोदक के लिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना है, तो आप इसको साइड में रख देते हैं, और फिर हम तैयार करते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना स्टफिंग के भी ये मोदक बना सकते हो, बट अगर फील करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने घर का कोकोनट लिया है, उसके बाद में हमने यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड करी है। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद में हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड की है, आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में 1.5 चम्मच के करीब जो है हमने दूध ऐड किया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में ये हमारी जो है फिलिंग भी तैयार हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे। अब बनाएंगे मोदक। तो कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा सा जो है डो में से लेना है, और गोल गोल करके हमें इसको हाथों से प्रेस कर देना है। मैं बिना मोल्ड के ये मोदक आपको बनाना बता रही हूँ, घर पे फटाफट से ये बन जाते हैं बिना मोल्ड के। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना मोल्ड के भी आप जो है परफेक्ट मोदक बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है हमें स्टफिंग भर देनी है, और फिर इसको दबाते हुए हमें हाथों से थोड़ा जोर लगा के अच्छे तरीके से हमें इसको मोदक का जो है वो सेफ देना है। और उसके बाद में जब इस तरीके से हमारा बन जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, वो जो लाइनिंग होती है मोदक पे वो हम बनाएंगे। तो मैं आपको वो भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास मोल्ड तो है नहीं, तो हमें हाथों से ही उसको बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फोक लिया है, और उसकी हेल्प से जो है हम इस पर ऐसे प्रेस कर करके थोड़ा जोर लगा के हम इस पर निशान बना देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच से भी कर सकते हो, या फिर आप टूथपिक से भी कर सकते हो, उससे भी परफेक्ट बनेगा, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने मोदक को है जो बना लिया, लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए ये वाला मोदक कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है वो मोदक को सेफ दे देना है। आप टूथपिक से भी दे सकते हो, उससे भी परफेक्ट बनता है, चम्मच से भी आप बना के देखिएगा, उससे भी बढ़िया बनता है। तो बिना मोल्ड के हमें अपने मोदक को जो है मोदक का सेफ दिया है, और बिल्कुल परफेक्ट मोदक जो है हमने बना के तैयार किए हैं। भगवान तो वैसे भी भाव का भूखा होता है, तो भगवान बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा आपका ये मोदक, उसको बहुत पसंद आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने मोदक बना लिया है, सारे मोदक हमको ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके से बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छा बन के जो है वो तैयार होगा। तो हमारे मोदक जो है वो बन चुके हैं, और अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा जो है डेकोरेशन के लिए गुलाब डाल दिया था। उसके बाद में हमने जो मोदक बनाए हुए थे वो हम सारे इसमें जो है प्लेट में डाल देंगे अच्छे से। अब हम जब मोल्ड में बनाते हैं तो बिल्कुल एक साइज़ का बनता है, पर जब हाथों से बनाते हैं तो थोड़ा 19-20 हो जाता है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो गए थे ये मोदक। तो आप कुछ इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोग देख रहे हो बहुत ही बढ़िया बन के मोदक हमारा जो है वो तैयार हुआ है।
तो कैसा लगा है आप लोग जरूर से अपनी राय दीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कॉमेंट जरूर करिएगा। ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल और डाल दिया था ताकि हमारा मोदक जो है वो दिखने में भी अच्छा दिखे, तो इस तरीके से डाल दिया है। आप चाहो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिएगा। और आपको हमारे ये वाले मोदक की रेसिपी, चॉकलेट मोदक की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट जरूर करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय।